Hey guys, welcome back to a new vlog. तो guys, फिलहाल guys, आज है इस नए साल के पहले महीने का आखिरी दिन 31 जनवरी। तो इस नए साल के पहले महीने के आखिरी दिन को हम करेंगे बाय बाय और न्यू फरवरी को फरवरी क्या होता है न्यू फरवरी को हम करेंगे वेलकम। तो भाई इस बार भाई फरवरी के महीने में भाई पूरे 29 डेज है, पूरे 29 दिन है, वरना होते हैं 28 दिन, बट चार साल में एक बार आता है लीप ईयर और इस बार लीप ईयर है भाई। मतलब इस बार एक दिन एक्स्ट्रा हमको मिलने वाला है अपनी लाइफ का, मतलब इस साल का। हर साल होते हैं 365 डेज, बट भाई इस साल है 366 डेज। तो भाई इस साल हम एक दिन एक्स्ट्रा एंजॉय करने वाले, मस्ती करने वाले, मस्त एंजॉय। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है कि रात को भी मूली के पराठे, सुबह को भी मूली के पराठे, क्या कर रहा है साहब? मूली के पराठे खाओ, टर्न हो जाओ। चलो चुलबुल कहाँ गया? चुल्लू कैचा चुल्लू, गुड मॉर्निंग। काटता रहता है ये गंदा बच्चा। चलो ये तो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे अपने 7:30 और भाई पापा आ चुके हैं मस्त नहा धो के सुबह। तो गाइस यहाँ पे दोनों हो चुके हैं रेडी सुबह के 9 बजे। पापा और मम्मी जा रहे हैं, कल तेरा पेपर है, पेपर में अपनी पढ़ाई करना, घर से बाहर मत निकलना है। किसी भी आदमी अगर मेरे को पता चल गया तो घर से बाहर गया था तो तेरा कार्ड कसम उठा कर दिया। घर से बाहर कल एक दिन का घर से बाहर तो जाऊंगा मैं। शाम की बात है, पढ़ाई करना और चुलबुल का ख्याल रखना। आप कब आओगे? हम शाम को आएंगे, चुलबुल का ख्याल रखना। हम जा रहे हैं थोड़ा किस निमंत्रण बाजपुर। ओके भाई प्रणाम, आशीर्वाद करो। प्रणाम। 2 घंटे से तैयार हूँ, 2 घंटे से। एक साड़ी पहनी है, एक जैकेट पहना है और 3 घंटे लगा दिए थे। ऐसा दिमाग खराब होता रहा, ऐसे मैं क्या बताऊँ? मैं क्या अपना गुस्सा खुद पीना पड़ता है बस। हाला इसलिए सारी वीकनेस शरीर में आ रही है। क्या बोलो, एक वो दुखी आत्मा मेरे पीछे पीछे लगा पड़ा है सुबह से। आया अब चलोगे? तैनात खड़ा भाई, एस पी जी भाई। अभी मैंने सफाई करी आपको, ये देख मम्मी के बाल, सर के बाल झड़ गए। ये देखो मैं ठीक कर दूंगी, बाल पीछे से उठाओ। तो बाल बैठाओ, उठाओ ना पीछे से, ये बाल उठाओ यार। चलोगे जल्दी से? लाइट बंद करो, वो बंद करो, ये दरवाजा। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? पांचवी बार बाकी भाई चुलबुल अब हो चुका है घर में अकेला। चुल्लू इतना छोटा सा चुल्लू ये उदास हो गया है क्योंकि मम्मी और पापा सब चले गए और ये मम्मी का लाडला है ना, तो मम्मी को याद कर रहा है ये। फिलहाल अभी मस्त नहा धो के आ चुका हूँ मैं और भाई यहाँ पे चुलबुल भाई मस्त टन होके सो रहा है, मस्त अपना घुंटू बना रखा है इसने, घुंटू बनाता है ये और घुंटू बना के भाई टन सो जाता है भाई। आज खाने में भाई अपना मस्त पनीर फ्राइड राइस भाई जो कि मैंने बनाया मस्त, ठीक है। भाई मम्मी तो घर में है नहीं तो भाई मैंने खुद से भाई प्याज काटा, लहसुन काटा, भाई पनीर लिया, पनीर बनाया मस्त, पनीर फ्राई करा, चावल लिए, चावल बनाए मस्त और पनीर फ्राइड राइस रेडी है। मैंने बनाया भाई पनीर फ्राइड राइस। बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने बाहर से भी ऑर्डर करा है, स्विगी से आया है, तो ये खाऊंगा मस्त। ये मेरा आज का लंच है, ठीक है, तो खाते हैं। आओ शादी जी हुंदी बिलो साडे आउण ते, बस मौत ही मिले सानू हाथ पाउण ते, ओ ते हो जन्नत विच जर
ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊ ਬਿਲੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੱਟ ਨਾਲ ਨੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਛੇ ਹੁੰਦੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਨੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰਾਂ इसको मार मार के आ रहा है कहां से आऊंगा स्कूल से आऊंगा हैं क्या जी हैं खुले पैसे पड़े हैं खुले पैसे हैं कुछ पैसे हमारे पास भी नहीं है यार पैसे वैसे तो नहीं है क्या चाहिए तुम्हें बताओ हमें क्या चाहिए हैं क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए यार कैसा रहा प्रैक्टिकल बोर्ड का प्रैक्टिकल भैया तुम्हारा क्या फाड़ दिया पूरा फाड़ पन्ने ही फाड़ दिया फुल नंबर पूरे यार पन्ना फाड़ के आगे मतलब मानता उधर को आता नहीं है तो वाई 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 भी बिना पढ़े वाई वाई फुल नंबर और प्रैक्टिकल फुल नंबर आ गए चलो 50 में से 50 सुन वो तो आते हैं लेकिन नीचे से आते हैं ना फिर क्या फायदा नीचे से नहीं इस बार ऊपर से आए चलो पहला एग्जाम अच्छा गया बोर्ड का मतलब बोर्ड का था ना जो मैंने नारियल चढ़ाया था बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे चलो बढ़िया है ऑल द बेस्ट तेरे को पता है मैंने अखंड प्रतिज्ञा रखी इस बार कि तू पास हो जाएगा अच्छा हवन करेंगे पास तो होगा नहीं तो मैंने कहा कि कुछ भगवान किसी का भला कर दूंगा अगर पास हो या फेल हो तो कम से कम लोगों को खाना खिला दूंगा इसी पर फेल होने पे नहीं यार हाँ। पास होने की उम्मीद कम है ना अच्छा। इसलिए कहा कि चलो फेल होने पे ही खिला दूंगा ऐसे तो भगवान फेल कर देगा भगवान क्यों फेल करेगा यार तुम अपने आप को फेल करोगे पास हो जा भाई इस बार बस भाई पहला बोर्ड देके आ गया हूँ पहले बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करके आया पूरे साल में मैंने अच्छा परफॉर्म करा आज फुल नंबर आएंगे इसके कंप्यूटर के एग्जाम में तो अच्छी बात है तो लेट्स गो फॉर तो गाइस आज भाई बहुत जश्न का दिन है क्योंकि आज इसका पहला बोर्ड एग्जाम था मतलब पहला ऑफिशियल बोर्ड नहीं ये नॉन ऑफिशियल बोर्ड था प्रैक्टिकल था बोर्ड का और काफी अच्छे नंबर लाया है ये कह रहा है फुल नंबर आएंगे इसलिए पार्टी दे रहे हैं हम इसको पार्टी दे रहे हैं आज यहाँ पे है चाप तो मस्त चाप खा रहा है ये और मनीष सर साथ में खा रहे हैं यहाँ पे तंदूरी चाप बाकी भाई मैं कुछ नहीं खा रहा बिकॉज मैंने फ्राइड राइस खा रखा है ना तो ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं ओ भाई वेरी गुड बढ़िया भाई बढ़िया ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स थैंक यू भाई ओम 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 उठे यार चल आजा आजा चिल्लू चिल्लू ये चिल्लू उठ गए चिल्लू चिल्लू आजा 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 देख रहा है कि मम्मी आई नहीं आई करके भाई मम्मी मम्मी को ढूंढ रहा है ये मम्मी आ गई मम्मी मम्मी फाइनली गाइस मम्मी आ चुकी है और ओम टनोके सो गया है ये ऐसा क्या कर रहा है बिस्तर का हाल सो गया मैं घर में ना रहूं तो तुम हाल बेहाल कर देते हो घर का नक्शा बिगाड़ देते हो यस कैसा रहा इसका पेपर
अच्छा क्या करा है प्रैक्टिकल फुल नंबर फर्स्ट टाइम फुल नंबर आया प्रैक्टिकल में जमाने हो गए ये शब्द सुने हुए तो कि अच्छा गया है बाप रे और इसी खुशी में शायद इसने यूनिफॉर्म चेंज नहीं करी तो गाइस यहाँ बन रही अपनी गर्मा गर्म मैगी भाई ओम भाई के लिए भाई आज अच्छे नंबर लाया वो तो भाई मस्त गर्मा गर्म मैगी बनाएंगे उसके लिए मस्त उसको आज अच्छा वाला ट्रीटमेंट देंगे मैगी बन चुकी है अपनी एक बार चेक कर लेते मैगी बनी नहीं बनी हाय हाय मैगी जोर से चलो भाई कैसे सो रहा है भाई सुबह से सो ही रहा है भाई ये ओम भाई ये भाई सोने में लगा हुआ है ओम भाई ओए स्कूल ड्रेस में सो गया भाई साहब स्कूल ड्रेस में सो गया भाई नशा हो गया इसको ये ले भाई मैगी तेल मैगी लाया हूँ खा ले गर्मा गर्म मैगी बन गई साथ में आ चुके हैं पापा तो पापा के लिए हल्की फुल्की मैगी मैं तेरा ब्लॉग देख रहा था ना हाँ तेरे ब्लॉग में कई लोग कह रहे हैं हम दादी के इंसल्ट कर रहे थे लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरी माँ से बढ़ के ना मेरी माँ से बढ़ के मिलने कोई नहीं है लेकिन हाँ मैं अपनी माँ से जितना प्रेम करता रहा उतनी तफरी भी करता हूँ भैया सही बात है खूब मस्ती करते हैं हम अपनी मम्मी से लेकिन सम्मान अपनी जगह में है लेकिन मम्मी को हम चिढ़ाते हैं थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा तफरीबाजी करते हैं वो अपनी जगह में यार हंसते खेलते जिंदगी कटनी चाहिए इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है सही बात मैं भी पढ़ रहा था कमेंट पढ़ रहा था ना तो ऐसा नहीं है हर माँ बाप को अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए रिस्पेक्ट यहाँ से आती है और तफरी भी करो खूब इंजॉय करो सही बात पिताजी के साथ दोस्त करो मम्मी से इंजॉय करो पापा के साथ इंजॉय करो लेकिन हर चीज की लिमिटेशन होनी चाहिए और सम्मान अपनी जगह में है रिस्पेक्ट अपनी जगह में है तफरीबाजी अपनी जगह पे है सही बात एक घंटा हो गया मैगी नहीं खाई इसने भाई ओम भाई मैगी नहीं खाई इसने यार क्या आदमी है यार ये भाई साहब इतनी क्या खुशी हो गई इसको भाई कि एग्जाम में अच्छे नंबर क्या आ गए भाई साहब मैगी को मना कर रहा है ये मैगी को इनकार कर दिया इसने आज मैगी को इनकार तो एक खाने में है मस्त फ्राइड राइस तो भी खाएंगे एंड अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया आपके चेहरे पे स्माइल आई आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं कल सुबह टिल देन गुड बाय लव टेक केयर ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एज मच एज यू कैन कल सुबह तैयार है ना टिल देन बाय बाय और भाई साहब कल मतलब 1 फरवरी को हमको गाड़ी मिल जाएगी गुरखा तो कल जो व्लॉग आएगा उसमें होगी गुरखा का फेस रिवील मतलब गुरखा आपको दिख जाएगी कि कैसे और कितनी मॉडिफाई हो गई है और क्या बन गई है ठीक है तो बस कल के व्लॉग का इंतज़ार करना बहुत अल्टीमेट और बहुत नेक्स्ट लेवल व्लॉग आने वाला है तो बी रेडी फॉर टुमारो चलो चलते हैं बाय।